इवनिंग अरुणाचल मीडिया टीम्स, और आप सबका बहुत बहुत आभार है यहाँ पर आने का, और आप सबको तहे दिल से नमस्कार। और जितना भी जनता पावली दे रहा है, मैं सोल दो दूँ। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ए ए सी जो अभी तक का सफ़र और कैसा था। और मैं कल उस दिन हम लोग सैटरडे को हम लोग थाना गया था, उन्होंने फ्राइडे को थाना गया था। थाना में हम लोग कुछ मिला और कुछ पुलिस लोग से बात किया, प्रशासन से कुछ बात किया। उसके बाद हम सब यहाँ तक अभी इसलिए सब लोग में सोशल मीडिया में लिख रहा है ये बात क्या हो गया कैसा हो गया। तो वहाँ तक अभी जो है अखिलेश प्रताप सिंह का, पहला अखिलेश प्रताप सिंह का, उसको हमारा अरुणाचल आंदोलन कमेटी अभी लीड करेगा। लीड करेगा माने इन बोलो बोलो कि बोलो लीड करेगा बोल के बोल रहे हैं। तो हम चलो ठीक है, अगर हमको बहुत हल्का करें तो अच्छा बात है। उसके बाद ये तान्या इश्यू और ये तान्या जूली। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. वो दोनों का केस को हमारा जो वो जोतम जोराम सोसाइटी है वो कुछ वो लोग यूथ लो है वो टैकल कर रहा है। उसके बाद हम जितना सकेगा साथ देगा। उसके बाद आप सबको मैं एक चीज़ बता दूं कि और हमारा कुछ अरुणाचल का कुछ अरुणाचल बचाओ आंदोलन, वो ये 14 को उस दिन एक बार वो लोग प्रोटेस्ट किया था। उसमें सरकार जो बात नहीं सुना है वो अखिलेश प्रताप सिंह को अरेस्ट करो बोल के। उसके बाद ये 14 को बोलो फिर यहाँ पे अनशन बैठेगा, तो 3 दिन का अनशन दिया है भाई लोग। और 3 दिन का अनशन मुझे भी खबर मिला है कि 3 दिन का अनशन दिया है। उसके बाद 3 दिन के अनशन देने के बाद उसके बाद सरकार अगर नहीं मानते अपना उसमें देखा जाएगा क्या करना नहीं करना। उसके बाद ये लोग जो अरुणाचल बचाओ आंदोलन अगर उस समय में बैठेगा तो सबसे मेरा पब्लिक से रिक्वेस्ट है, जितना भी जनता अरुणाचल की जनता है, प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है वो भाई बहन लोग का साथ दीजिए। वो लोग कोई यूनियन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, वो लोग बस अरुणाचल बचाओ आंदोलन बोल के कोई भी आंदोलन कर सकता है, कोई भी आंदोलन कर सकता है, कोई भी आंदोलन बना सकता है, कुछ अगर गलत हो तो एक्सरसाइज बना सकता है। तो ये लोग कोई मैंने एसोसिएशन नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ एक ग्रुप है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, बहुत मैंने टैलेंट और बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप है। ये लोग कुछ बना के आंदोलन बनाए, अरुणाचल आंदोलन बनाए हैं। उस समय में आईडी पार्क में ये 14 को वो लोग डरना होगा। तो मैं जितना भी अरुणाचल का जनता है उसे मैं अपील करता हूँ आप लोग सब आइए। और ये तान्या इशू और ये तान्या जूली का जो कोर्ट में केस चला गया है, कल कोर्ट में वो दोनों को हम लोग बहुत समय दिया है कि सिलेंडर मांगो सिलेंडर मांगो। दोनों भी बिल्कुल बोला है कि सिलेंडर नहीं मांगेगा, कुछ कुछ स्टेटमेंट दे रहा था कल। उसके बाद तान्या इशू को भी बार बार बोला कि सिलेंडर मांगो, बोले नहीं माना है। तो अभी हम लोग कोर्ट में केस चला गया है। एक्चुअली दिल्ली जो मेरा जाने का मकसद ऐसा था, मैंने मैडम को वहाँ में क्लियरली बोला आप गाज़ियाबाद में ही रुको बोला है कि गाज़ियाबाद में रुके। वहाँ से एक अखिलेश प्रताप सिंह बोल के वहाँ से था, वो हम दिल्ली मैडम के साथ में हम लोग वहाँ से आना था। तो मैडम के साथ में हम लोग पैदल चलना था, दिल्ली से चलना था। तो हम थोड़ा बस्ती में था, बस्ती में 4-5 दिन था। उसके बाद देखा तो मैडम दिल्ली पहुँच गया। तब भी फिर हम सोचा कि पब्लिक को एक बार बोल दिया तो बोल दिया, पब्लिक सामने हम अनाउंस कर दिए कि हम दिल्ली जाएगा बोल के अनाउंस कर दिया। तो हम गए हैं वहाँ में मिला है, तो वहाँ देखे तो मैडम लोग बहुत तकलीफ था। कुछ लोग तो बहुत लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मोटिवेशन वगैरह वगैरह, हमको इससे दिखाई नहीं मिला है। वहाँ देखा तो लड़का लोग बहुत तकलीफ हालत में था और मैडम लोग भी बहुत तकलीफ हालत में था, वो लोग अपना लड़ रहा है। तो मेरा ये अरुणाचल से ये अपील है कि मैंने मेरा दिल्ली जाने का यही मोटो था कि कुछ सरकार सुने और कुछ सरकार देखे। और वहाँ पहुँचने के बाद नेशनल मीडिया कवरेज किया है, और हम लोग पहुँचने के बाद कुछ कुछ ये हमारा वहाँ का एक मिनिस्टर है वो किरण रिजिजू, वो भी कुछ कुछ कवरेज किया है, मीडिया में आया है। उसके बाद अभी देख रहे तो थोड़ा मैंने सेंटर भी थोड़ा पता नहीं इम्पोर्टेंस दे रहा है नहीं दे रहा, लेकिन अभी ऐसे लगा है कि बहुत सारे लोग जाग रहे हैं। और न्यूज़ में भी अभी हम देख रहे हैं बहुत कुछ कुछ न्यूज़ में अभी आ रहा है। तो वहाँ तक मेरा जाने का ये मकसद था कि सेंटर का जो मीडिया है वो आना है। तो उसके बाद यहाँ देखा है तो अखिलेश को हम वहाँ में दिल्ली में हम बहुत बार लाइव डिबेट करने के लिए ट्राई किया है, जो कुछ कुछ न्यूज़ चैनल का वहाँ हम बोला भी है, न्यूज़ चैनल का वहाँ में डिबेट करेगा।
तो मैं दिल्ली जाके वहाँ पहुँचा, तो वहाँ में ऐसे कुछ मुझे लगा कि कुछ किसी किसी न्यूज़ चैनल को बहुत कुछ नसीब है कि उसको अखिलेश मिल जाता है। हम लोग वहाँ में अखिलेश को बहुत ढूंढा है, ट्राई किया मिलने के लिए ट्राई किया, लेकिन कुछ कुछ न्यूज़ चैनल को मिला है। तो मैं नाम तो लेना नहीं चाहता हूँ कि किसी का ऊपर में हमको बुराई करके वो करके, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन हम वो न्यूज़ चैनलों को भी बोला, सबको हम बोला है कि अखिलेश को एक बार मिला दो कि दिल्ली में हम उसको बात करना है। तो अखिलेश फ़िलहाल नहीं मिला है, कहाँ कहाँ चुप चुप के बैठा है, चुप चुप के बैठा है। तो सुनने में आया है वो अखिलेश जो एक बार जब लाइव वीडियो बना रहा था, वो एक अखिलेश जो करा के लाइव वीडियो बना रहा था, वो किसी हम लोग का अरुणाचल का वो MLA मिनिस्टर का कोई घर का सामने में कुछ बना रहा था, उसको हम देखा है। तो ऐसा लगा है कि अखिलेश को हम लोग का यहाँ अरुणाचल का पॉलिटिशियन तो ही यूज़ कर रहा जैसे हमको लगा है। उसके बाद वहाँ से फिर तन्या इशू जो बोला है, तन्या इशू यहाँ में मैडम को गंदा गंदा बात बोल रहा है, गंदा गंदा वीडियो वायरल कर रहा है। उसके बाद फिर हम वहाँ से मैडम को बोला नहीं, एक आदमी यहाँ बैठना है, तो एक आदमी यहाँ बैठना बोल के, तो तन्या इशू का केस में हम यहाँ आया है।